हेलो बच्चों, टूल मैथ में आपका स्वागत है। ओके हमने क्या लिया, एक सेट लिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सेट लिया है। अभी क्या करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें करते क्या है, हम इसमें मेन पर्पस हमारा ये होता है कि हम एक्स या वाई की वैल्यू, जैसे वाई की वैल्यू एक्स के फॉर्म में निकाल लेंगे और इस वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। बस इतना ही करना है, ठीक है। क्या करना है आपको, बस क्या करना है आपको, इस इक्वेशन से या इक्वेशन से, कोई कंपलसरी नहीं है कि इस इक्वेशन से निकालिए या इक्वेशन। इसको सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको सेकंड। आप इससे क्या करिए, इसकी वाई की वैल्यू क्या करिए, वाई की वैल्यू आप एक्स के फॉर्म में निकाल के इसमें पुट कर दीजिए। सिंपल देखिए कैसे करते हैं, आपको करना कुछ नहीं है। एक्स इक्वल टू क्या होगा यहाँ से, तो 14 माइनस वाई, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर थ्री कंसिडर कर लीजिए आप, ओके। क्वेश्चन नंबर थ्री कंसीडर कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, सिंपल इस एक्स की वैल्यू इसमें पुट करना है। तो आप लिखोगे ऐसे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में। अब ओके, अब क्या करना है आपको, बस ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। तो क्या करोगे आप, एक्स माइनस वाई इक्वल टू आपको दिया हुआ है 2, तो आप क्या करोगे, एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई है ना, तो 14 माइनस वाई और यहां होगा माइनस वाई इक्वल टू 2। दैट मीन्स 14 माइनस 2 वाई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 2। और इसको सॉल्व करोगे आप आगे तो आपको क्या मिलेगा, 2y is equal to 16 और y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 8। तो आपको सोल्यूशन क्या मिला इसका, y equal to 8। अब इस y की वैल्यू क्या करिए, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर दीजिए, सेकंड में, थर्ड में, किसी में पुट कर सकते हो आप, और यू विल गेट वैल्यू ऑफ x। यहां से ओके, आपको क्या करना है, ये x की वैल्यू क्या रखना है, आप हम किसे रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 2। अब आप एक्स की वैल्यू क्या रखोगे, 14 माइनस वाई इक्वल टू 2, तो आपको मिलेगा 14 माइनस 2y इक्वल टू 2, देन माइनस 2y इक्वल टू मिलेगा 2 माइनस 14, देन माइनस 2y इक्वल टू होगा माइनस 12, देन यू विल गेट y इक्वल टू माइनस 12 अपॉन माइनस 2, दैट मीन्स y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, 6। ओके, ये आपको सोल्यूशन होगा y इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू 6 क्या करिए आप, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में आप क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो, देन यू विल गेट वैल्यू ऑफ x। अब क्या करोगे, ये y की वैल्यू क्या करना है आप किसी में पुट कर दो। चलिए हम पहले में ही पुट कर देते हैं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें आप पुट करो। तो देखिए x प्लस y इक्वल टू क्या है आपको, 14। अब आप y की जगह क्या रख दो, 6, देन 14, देन यू विल गेट x इक्वल टू 14 माइनस 6, दैट मीन्स x इक्वल टू 8। आपको ये क्या मिल गया आपका सोल्यूशन, दैट मीन्स x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 8, दैट इज योर y इक्वल टू 6, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर है। अब देखिए आपका चेक, आप इसको चेक भी कर सकते हो क्रॉस चेक, अगर ये हमारा सोल्यूशन सही है तो सारे इक्वेशन को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा, जितने भी इक्वेशन है। पहले में रखिए 8 प्लस 6 एक्स 8 वाई, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। एक्स 8 रखो 6 से, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट में क्या है, ये आप यहाँ रखोगे एक्स क्या है, यहाँ एक्स 8 होना चाहिए, ये अगर यहाँ 8 रख रहे हो तो यहाँ वाई 6 रखोगे तो 8 आएगा। दैट मीन्स ये क्या है, हमारा सोल्यूशन परफेक्ट है। ओके,